हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 16 अप्रैल का हिंदू एडिटोरियल पढ़ेंगे और देखते हैं क्या बोला गया है। आज का टॉपिक है अ गोल्डन व्यू ऑन इंडिया सी डब्ल्यू जी मेडल्स हॉल। सी डब्ल्यू जी एज वी नो स्टैंड्स फॉर कॉमनवेल्थ गेम्स एंड वी ऑल्सो नो दैट रिसेंटली सी डब्ल्यू जी वॉज हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। द ओलंपिक्स हैज अ ग्लोबल अल्योर एंड द एशियन गेम्स बास्क इन इट्स कॉन्टिनेंटल स्प्रेड। Compared to these two, the Commonwealth Games may look like an unflattering vestige of Britain's colonial past. Yet there is no denying the CWG's relevance as a stepping stone to greater sporting glory. For India, the relatively limited competition meant it remains a front runner. This was underlined over the last fortnight at the Gold Coast in Australia, where India won 66 medals and improved on the haul of 64 from the 2014 edition at Glasgow. Importantly, the number of golds rose from 15 to 26 in wrestling, weightlifting, shooting, boxing, badminton, and particularly table tennis. India dominated. Is पैरामैन ये बताना चाह रहा है कि ओलंपिक एंड एशियन गेम्स जितने एक फेमस ग्लोबल एक गेम है उतना कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमनवेल्थ गेम्स में अच्छा परफॉर्म करना इट्स अ स्टेपिंग स्टोन, एक अच्छा स्टेप है ताकि हम अच्छा परफॉर्म कर सकें इन फ्यूचर में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्योर का मतलब होता है अट्रैक्टिव, वेस्टीज का मतलब होता है झुकाव किसी चीज के लिए, ठीक है। और ये भी यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडिया ने 66 मेडल्स जीते हैं इस बार, जो कि पिछले बार से अच्छा है। जब 2014 में हुआ था ग्लासगो में, वहाँ इंडिया ने 64 मेडल्स जीते थे और इस साल इंडिया ने 66 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 15 पिछले साल गोल्ड, पिछले बार गोल्ड था एंड इस बार 26 गोल्ड मेडल्स हैं। और ये बहुत ही अच्छा है कि पिछले बार से इस बार इंडिया ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। देयर वर वर्ल्ड चैंपियन मैरी कॉम, टू टाइम्स ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार, वर्ल्ड चैंपियन वेट लिफ्टर मीरा भाई चानू, 2016 वर्ल्ड जूनियर जैवलिन चैंपियन नीरज चोपड़ा एंड टीम शूटिंग सेंसेशंस मनु भाकर एंड अनिश भनवाला प्रोड्यूस स्प्लेंडेड परफॉर्मेंस टू क्लिंच गोल्ड। जैसे हमारे 5 times चैंपियन रह चुकी, वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी मैरी कॉम, 2 time ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर सुशील कुमार, वेट लिफ्टर के मीरा भाई चानू, 2016 के जूनियर चैंपियन चैम्पियन नीरज चोपड़ा एंड शूटिंग सेंसेशन मनु भाकर अनिश भनवाला, इन लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है एंड गोल्ड जीता है इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में। इन बैडमिंटन द अनएक्सपेक्टेड गोल्ड इन द मिक्स्ड टीम इवेंट, द मच एंटिसिपेटेड वुमेन्स फाइनल फीचरिंग पीवी सिंधु एंड साइना नेहवाल एंड द इमर्जेंस ऑफ सम डबल्स कॉम्बिनेशन वेर द हाई पॉइंट्स। और जहाँ तक बैडमिंटन का बात है तो इस बार मिक्स्ड टीम इवेंट में इन बैडमिंटन की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है एंड पीवी सिंधु और साइना नेहवाल के बीच में कॉम्पिटिशन हुआ था जिसमें साइना नेहवाल जीती हैं इस बार गोल्ड। फ्रॉम द टेबल टेनिस अरीना, इंडिया प्रोवाइडेड द बिगेस्ट सरप्राइजेस, इट वॉन अ मेडल इन ऑल 7 इवेंट्स, एन अनप्रेसिडेंटेड स्वीप ऑफ टीम गोल्ड्स एंड अ हिस्ट्रिक गोल्ड इन द वुमेन्स सिंगल्स फॉर मनिका बत्रा, हाईलाइटिंग द हार्ड वर्क डन ऑल्सो बाई द कोचिंग एंड सपोर्ट टीम। The 22-year-old Delhi player returned with 4 medals including gold and proved to be India's most valuable player. यहाँ पे valuable का मतलब होता है बहुत ही मूल्यवान, unprecedented का मतलब होता है बेमिसाल। यहाँ पे ये बताना चाह रहा है कि टेबल टेनिस के फील्ड में भी इंडिया ने सारे के सारे 7 इवेंट्स में मेडल जीते हैं और जो दिल्ली की 22-year-old प्लेयर है मनिका बत्रा, जो कि इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेयर साबित हुई है क्योंकि उन्होंने 4 मेडल जीता है जिसमें से 2 गोल्ड है। हाउएवर इंडियाज रेपुटेशन टुक अ
beating when A.V. Rakesh Babu and K.T. Irfan were packed off from the games for violation of the no needle policy after needles were found in jail rooms. India ne itna acha perform kiya, lekin is reputation ke piche A.V. Rakesh Babu and K.T. Irfan, ye do player hain jinko game violation ke CWG ke rules ke violation ke कारण उन्हें निकाल दिया गया, डिस्क्वालीफाई कर दिया गया CWG गेम से, और उन्होंने नो नीडल पॉलिसी का उल्लंघन किया था, जिसका जैसे CWG गेम्स में एक रूल होता है कि आप नीडल नहीं रख सकते हो ड्यूरिंग द CWG गेम्स, बट उन्होंने उनके रूल से मिला तो इसलिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया. This aberration must not go unaddressed against a backdrop of successes of other Indian athletes. Aberration का मतलब होता है पतन. जैसे हमारा इतना glory हुआ और उसमें ये जो दो लोगों को disqualify किया गया, ये एक पतन ही है. जो इतने सारे Indian athletes जो success हुए, उनके glory को कम कर रहा है. With the next Asian Games scheduled in August-September in Jakarta, Indonesia, India is expected to build on the gains from the Gold Coast. और August-September में Asian Games होने वाला है Indonesia, Jakarta में, और ऐसा सोचा जा रहा है कि India वहाँ पे अच्छा perform करेगी. Based on the quality of recent performances, India could improve upon its 2014 tally of 11 gold, 10 silver and 36 bronze medals. और अभी जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है इंडिया का, उससे हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2014 में जो इंडिया ने एशियन गेम्स में 11 गोल्ड 10 सिल्वर एंड 36 ब्रॉन्ज मेडल जीता था, उससे अच्छा करेंगे. कंसिडरिंग द एशियन स्टैंडर्ड्स ऑफ टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग, रेसलिंग, वेट लिफ्टिंग एंड फील्ड इवेंट्स इन एथलेटिक्स, इट विल बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक टू एक्सपेक्ट अ गोल्ड हॉल एनीवेयर क्लोज टू व्हाट द इंडियंस मैनेज्ड फ्रॉम द गोल्ड कोस्ट. इसका मतलब ये है कि हम क्या हम ज़्यादा ओवर ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, ज़्यादा ही नहीं सोच रहे कि इंडिया इस गोल्ड का हॉल जो CWG में 26 गोल्ड जीता है, वैसा ही वो एशियन गेम्स में भी जीते. चोपड़ा, चानू, सुशील, द बैडमिंटन प्लेयर्स एंड सिंगल्स बिसाइड्स अनदर सेलेक्ट शूटर्स विल होप टू डू वेल. और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि चोपड़ा, चानू, सुशील जो कि बैडमिंटन प्लेयर्स हैं और और शूटर्स हैं, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. बट इंडिया विल सर्टेनली ट्राई टू रजिस्टर अ बेटर शो इन हॉकी, वेयर द मेंस टीम विल डिफेंड इट्स एशियन गेम्स टाइटल एंड ऑटोमेटिकली क्वालिफाई फॉर द 2020 ओलंपिक्स इन टोक्यो. और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया अच्छे से जो हॉकी का मेन्स टीम है, वो अच्छे से एशियन गेम्स को डिफेंड करेगा और उसके टाइटल को अचीव करेगा, ताकि वो 2020 ओलंपिक्स में डायरेक्ट एंट्री ले सके, जो कि टोक्यो में होने वाला है. टिल देन द CWG हैज हेल्ड अ मिरर अप टू इंडियन सपोर्ट एंड फाउंड अ रिफ्रेशिंग रिफ्लेक्शन. सो अभी तक अच्छा है, CWG ने अच्छा हमने परफॉर्म किया है, हमें अच्छा पॉजिटिविटी मिली है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे. और ये हैं कुछ वोकैब्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सो यू कैन ऑल गो थ्रू दिस. जैसे बास्क है, स्प्रेड है, रेलेवेंस है, फीचरिंग है. बास्क का मतलब होता है आनंद उठाना, स्प्रेड का मतलब फैलाना, रेलेवेंस मीन्स एप्लीकेबिलिटी, योग्यता. फीचरिंग का मतलब होता है प्रकट हो करना. रेपुटेशन का मतलब होता है मान. रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब. अप्रेसिडेंटेड मीन्स बेमिसाल. ग्लोरी का मतलब होता है गर्व. सेंसेशन का मतलब होता है सनसनी. सो थैंक यू स्टूडेंट्स. सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू कॉमेंट्स, सो दैट आई कैन मेक द वीडियो मच इन मच बेटर वे एंड मेक यू ऑल अंडरस्टैंड वॉट द एडिटोरियल वॉन्ट टू से टू यू. ओके, थैंक यू.